हेलो रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एक्सप्लेन यू लेसन लिटिल नीनो एंड माय सीक्रेट बियर्ड। रीड दिस ऑटोबायोग्राफिकल एक्सट्रैक्ट वेयर आबिद सुरती, अ वेल नोन वाटर वेरियर फ्रॉम मुंबई, प्लान्स टू टॉक टू हिज ग्रैंडसन अबाउट वाटर कंजर्वेशन। ये एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। ऑटोबायोग्राफी जिसमें पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, तो ये आबिद सुरती की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। आबिद सुरती एक बहुत प्रसिद्ध वाटर वेरियर है। वाटर वेरियर मीन्स ऐसे लोग जो पानी को सेव करने के लिए, पानी को बचाने के लिए काम करते हैं, जो कि मुंबई से हैं। प्लान्स टू टॉक टू हिज ग्रैंडसन अबाउट वाटर कंजर्वेशन, और वो अपने पोते से, अपने ग्रैंडसन से पानी के संरक्षण के लिए, पानी के प्रिजर्वेशन के लिए प्लान बनाते हैं कि उससे किस तरह उन्हें बात करनी है। नीनो इज बियरली सिक्स, दैट इज इफ यू गो बाय हिज बर्थ सर्टिफिकेट। इफ यू टेक इन टू अकाउंट हिज इंटेलिजेंस, ही इज बियॉन्ड मोस्ट यंग एडल्ट एंड मैनी अडल्ट टू, माई सेल्फ इंक्लूडेड। आई एम 83 एंड ही कॉल्स मी डीजे। तो अब वो बताते हैं कि नीनो, जो कि 6 साल का है, नीनो उनके ग्रैंड सन का नेम है, तो वो बताते हैं कि नीनो 6 साल का है। अपने बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से, मीन्स अपने जन्म के हिसाब से वो 6 साल का है, लेकिन अगर हम उसकी समझदारी को देखेंगे तो वो कई नौजवानों से, कई बुजुर्गों से कहीं ज्यादा आगे है समझदारी में। मतलब वो इतना ज्यादा समझदार है, वो कहते हैं मुझसे भी ज्यादा वो समझदार है। और वो 83 इयर्स के हैं, उनके जो ग्रैंडपा हैं, और वो नीनो अपने ग्रैंडपा को डीजे बुलाता है। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट आई केप्ट वंडरिंग व्हाई यू यूज दिस एक्रोनियम ऑफ डिस्क जॉकी। आई एम एन ऑथर, अ पेंटर एंड अ कार्टूनिस्ट टू, बट आई एम नथिंग टू डू विद म्यूजिक। तो वो कहते हैं जब पहली बार मैंने ये उसके मुंह से डीजे वर्ड सुना, तो मैं सोचने लगा कि जो डिस्क जॉकी जो कि पार्टीज वगैरह में डीजे म्यूजिक बजाते हैं, तो उन्हें ही डीजे या डिस्क जॉकी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो डिस्क जॉकी की शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक लेखक हूं, पेंटर हूं, कार्टूनिस्ट भी हूं, लेकिन मेरा म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। सो वन डे आई आस्क्ड हिम व्हाई डू यू कॉल मी डीजे। तो एक दिन मैं उससे पूछता हूं, नीनो से, कि तुम मुझे डीजे क्यों बुलाते हो। ही चकल्ड, बिकॉज यू आर माई ग्रैंडपा, माई दादाजी। तो वो कहता है क्योंकि आप मेरे ग्रैंडपा हैं, मेरे दादाजी हैं। तो बट वाई नॉट यूज सच अ स्वीट हिंदी वर्ड। तो उसके दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम इतना प्यारा सा हिंदी का नाम है, वो क्यों नहीं यूज करते हो। टू मी माई ग्रैंडपा द डीजे ऑफ 21st सेंचुरी। तो कहता है मैं अपने ग्रैंडपा को 21वीं सदी का ग्रैंडपा बनाना चाहता हूँ, डीजे बनाना चाहता हूँ, मीन्स उन्हें मॉडर्न बनाना चाहता हूँ। फिर वो बताते हैं, आस्क नीनो अबाउट एनी ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड हिज रिप्लाइज विल अमेज यू फॉर श्योर। वो कहते हैं नीनो से उसके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछो, तो उसका जो आंसर होगा वो तुम्हें चौंका देगा। आस्क हिम अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इन अ पायलट्स कैबिन एंड ही विल टेल यू अबाउट द एयर स्पीड इंडिकेटर एंड ऑल्टीमीटर। और अगर उससे हम पूछें कि पायलट के कैबिन में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, तो वो तुम्हें एयर स्पीड इंडिकेटर के बारे में, ऑल्टीमीटर जो कि एयरक्राफ्ट की हाइट के लिए होता है डिवाइस, उसके बारे में भी बता देगा। हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली एयरप्लेन्स बट ऑल्सो एलिवेटर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड इंडियन ट्रेन्स। और उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट खाली एयरप्लेन नहीं है, साथ में एलिवेटर्स मीन्स लिफ्ट, व्हीकल्स, गाड़ी वगैरह, कंप्यूटर्स, और साथ में इंडियन जो ट्रेन्स होती हैं, वो भी उसके फेवरेट सब्जेक्ट में आते हैं। During the previous winter vacation, when the family was traveling to Delhi, he insisted on going by the Rajdhani Express. अब वो बताते हैं कि पिछली winter vacation के दौरान, सर्दियों की छुट्टियों के दौरान, जब family को Delhi जाना था, तो उसने जिद करी थी कि वो Rajdhani Express से ही जाएगा, means train से ही जाएगा। When we got to the station, the train had already arrived at the platform. और जब हम station पहुंचते हैं तो train platform पर आ चुकी थी। The motorman was chatting near the engine with the guard of the train. और जो गाड़ी का, ट्रेन का ड्राइवर था, वो इंजन के पास ट्रेन के गार्ड से बात करने लग रहा था। नीनो वांटेड टू पीप इनसाइड द मोटरमैन्स कैबिन, वी केप्ट अवर लगेज अंडर अवर सीट्स एंड आई टुक हिम देयर। तो नीनो जो है, जो ड्राइवर का कैबिन होता है ट्रेन का, उसमें झांकना चाहता था, उसमें अंदर देखना चाहता था, तो इसीलिए हमने अपनी सीट के नीचे अपना सामान रखा और मैं उसे वहां ले जाता हूं।
Watching Nino keenly peeping into the interior, the motorman was impressed and took Nino inside for a closer look. अब नीनो इतनी ध्यान से अंदर देख रहा था मोटर जो ड्राइवर का कैबिन था उसके अंदर, तो मोटरमैन उसे इम्प्रेस होकर उसे अंदर ले जाता है और पास से दिखाने के लिए. नॉट ओनली दैट ही एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कंट्रोल, और साथ में इतना ही नहीं वो जो ट्रेन के कंट्रोल्स होते हैं उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन करता है उसे. Then Nino asked him, "Is this Rajdhani engine a WEP 5 or WEP 7?" तो नीनो उससे पूछता है ड्राइवर से कि ये जो राजधानी का इंजन है ये वेब 5 है या वेब 7. ये वेब 5 और वेब 7 जो है इंजन के टाइप्स हैं, पावरफुल इंजन होते हैं ये. तो द मोटरमैन वॉज अमेज्ड, उसकी ये बात सुनकर मोटरमैन एकदम चौंक जाता है. हाउ एवर ही वॉज शॉक्ड वेन नीनो क्विज हिम विच इंजन इज यूज इन द दुरंतो, तो और वो और ज्यादा चौंकता है जब नीनो उससे पूछता है कि दुरंतो दुरंतो जो ट्रेन है उसमें कौन सा इंजन यूज होता है. टू बी ऑनेस्ट आई टू गॉक्ड एट हिम इन सरप्राइज, और दादाजी कहते हैं सच बताऊं तो मैं भी उसे देखता रहता हूं सरप्राइज में चौंक कर. गॉक्ड मीन्स एक टक देखते रहना. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ नीनोज क्यूरियस माइंड, नीनो के इतना जो उत्सुक माइंड है उसका सीक्रेट क्या है. वो कहते हैं फ्रॉम वेयर डज ही कलेक्ट सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसे इतनी सारी जानकारी इतनी सारी सच्ची बातें कहां से पता है. फ्रॉम बुक्स ऑफकोर्स, जाहिर सी बात है बुक्स से. इनकरेज By his parents, he has cultivated the habit of reading. और उसके parents से प्रोत्साहित होकर उसके अंदर reading की habit आ गई थी. Besides, Nino at his age is quite familiar with the internet. और साथ साथ Nino को जो है internet की भी जानकारी थी. Google is his favorite source for all the queries that arise in his little mind. और Google उसका favorite सोर्स था जब भी कोई क्वेश्चन उसके छोटे से दिमाग में आता था. व्हेन वी फेल टू आंसर हिम ही फाइंड्स आंसर वाया द सर्च इंजन, और जब भी हम कोई आंसर देने में फेल हो जाते थे हम कोई आंसर नहीं दे पाते थे तो उसका आंसर वो गूगल से ही निकालता था. बट इज रियल सीक्रेट इज इंक्वायरी, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है सबसे बड़ा राज है इतनी सारी जानकारी का वो है इंक्वायरी. मीन्स हर चीज में पूछताछ करना. ही विल नेवर एक्सेप्ट एनी आंसर अनलेस ही इज फुली सेटिस्फाइड, वो किसी भी आंसर को जब तक नहीं मानता था जब तक वो उस आंसर से सेटिस्फाई ना हो. मीन्स वो जब तक उसे किसी क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ना मिल जाए वो उस आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता था. What interested me was this, how to motivate little Nino to save water. It hadn't rained much lately. A water crisis not only in India but globally loomed large. तो अब उनके मन में क्या बात चल रही थी कि कैसे नीनो को प्रोत्साहित करा जाए प्रेरित करा जाए पानी बचाने के लिए. अब हाल फिलहाल में ज्यादा बारिश नहीं हुई थी तो जो पानी का संकट है वो खाली इंडिया में नहीं पूरे विश्व पर तेजी से उसका खतरा मंडरा रहा था. बर्ड सर्चिंग फॉर वाटर वर ड्रॉपिंग डेड, जो पक्षी पानी की तलाश करते करते मर रहे थे. काउज एंड अदर एनिमल्स वर वेटिंग टू डाई इन बेरन फील्ड्स, और गाय और दूसरे जानवर सूखे खेतों में मरने लग रहे थे. विलेजर्स हैड बिगन माइग्रेटिंग टूवर्ड्स बिग सिटीज फॉर फूड एंड वाटर, और जो गांव के लोग हैं वो खाने और पानी की तलाश में बड़े शहरों की तरफ जा रहे थे. आई फेल्ट डेट वंस नीनो वॉज कन्विंस्ड ही वुड इंस्पायर हिज स्कूल फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बार नीनो मान गया पानी बचाने के लिए तो वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी प्रेरित करेगा. आई एम अवेयर डेट चिल्ड्रन नीड टू कैरी फॉरवर्ड दिस मैसेज बिकॉज दे आर द फ्यूचर, वो कहते हैं मुझे पता है कि ये बात बच्चों में आगे जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि बच्चे ही इस देश का इस विश्व का फ्यूचर है. आई एम ऑल्सो अवेयर डेट The moment I open my mouth, I should be ready for the innocent and unpredictable questions that arise in the minds of today's children. वो कहते हैं मुझे ये भी पता है कि जैसे ही मैं बच्चों से पानी बचाने की बात करूंगा जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा तो मुझे बच्चों के जो माइंड में जो मासूम से अनजान से सवाल उठेंगे मुझे उनके आंसर्स देने पड़ेंगे. आई वुड हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, और मुझे उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. आई डिसाइडेड टू प्लान द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट नीनो वुड आस्क एंड प्रिपेयर माय आंसर्स, तो वो अपना पूरा प्लान बनाना शुरू करते हैं कि नीनो किस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछ सकता है और वो उसके आंसर्स भी तैयार करने स्टार्ट करते हैं. आई फेल्ट बटरफ्लाईज इन माय स्टमक, उनके पेट में पूरी खलबली मच जाती है. एट द सुपर मैच्योर एज आई फेल्ट लाइक
a student who before going for his final examination tries to work out possible questions. और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी एज में मुझे अपने आप को मैं एक बच्चा समझ रहा हूँ, जो ऐसा बच्चा जो कि फाइनल एग्जाम में जाने से पहले सोचता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और फिर उनके आंसर्स तैयार करता है, तो वो अपने आप को एक ऐसा स्टूडेंट समझते हैं. अब हम आगे का लेसन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. एंड यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू, बाय बाय.